बैठा मैं सोच रहा था कि हम लोग बार बार गुड बैड बिग स्मॉल ये कॉमन एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं और थकते नहीं हैं, तो क्यों ना हम अपनी लैंग्वेज को आज एक स्टेप आगे बढ़ाएं और मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा, कुछ नए ऐसे वर्ड्स जिनकी वजह से आपकी इंग्लिश ब्यूटीफाई हो सकती है। तो चलिए शुरू शुरू होने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन होती है। तो बेसिकली हम एडजेक्टिव्स तो हर चीज़ के साथ यूज़ करते ही हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि एडजेक्टिव हम किसी भी चीज़ का साइज़, शेप, नंबर, कलर या क्वालिटी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन एडजेक्टिव सिर्फ जानना ही सब कुछ नहीं है, अब हमें क्या करना है, अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पुराने बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट वर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, अब यूज़ भी नहीं होते, उनकी जगह नए वर्ड्स को रिप्लेस करना होगा ताकि सुनने वाले को हमारी इंग्लिश अच्छी लगे और हमारी वोकैबुलरी में भी इंक्रीज़ हो। बेसिकली इन्हें हम कहते हैं पावरफुल और स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव्स, जिसे हम क्या करते हैं, पुराने वर्ड्स की जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ गुड की, अब चीज़ें या तो गुड हैं या बैड हैं, गुड की और बैड की कैटेगरी में ही सारे वर्ड्स लाए करते हैं। लेकिन अब जब भी आप किसी को गुड का वर्ड कहते हैं तो लाइक नथिंग इज़ न्यू, उस पर कोई भी चीज़ नई नहीं है। तो गुड की जगह आपने क्या कहना है, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस कहूँगा और आपने डिसाइड करना है कि उस सेंटेंस में आपको गुड ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है या एक्सेप्शनल। She made a good impression at the interview. या इसकी जगह अगर आप यूज़ करें, her performance was truly exceptional. So I'm sure exceptional का वर्ड जो है वो sounds far better than good. वो काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है गुड से। सो अब हमने क्या करना है, गुड की जगह एक्सेप्शनल का वर्ड यूज़ करना है। देर आर सो मेनी अदर वर्ड्स, बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जो आप गुड की जगह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिग। अब बिग इज़ समथिंग जो साइज़ में बड़ी हो, उसे हम बिग कहते हैं। लेकिन बिग की जगह बहुत सारे और भी वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि कोलोसल, अनॉर्मस, ह्यूज, जाइगेंटिक, बहुत सारे और वर्ड्स हैं। तो क्यों ना हम अभी बिग एक सेंटेंस में यूज़ करें और देखें कि इसका कैसा साउंड आ रहा है। इट वॉज़ अ बिग माउंटेन, इसकी जगह अगर हम यूज़ करें, द माउंटेन वॉज अनॉर्मस टावरिंग ओवर द लैंडस्केप। सो आई एम रियली श्योर कि अनॉर्मस का वर्ड साउंड्स बेटर देन बिग। अब बिग बार बार यूज़ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो अब उसकी जगह अब आपने यूज़ करना है अनॉर्मस। एक और वर्ड जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। इसकी जगह अगर आप यूज़ करें ब्लिसफुल, दे वर हैप्पी टू बी रीयूनाइटेड। इसकी जगह अगर आप कहेंगे देयर रीयूनियन वॉज अ ब्लिसफुल मोमेंट फिल्ड विद जॉय, आई एम श्योर दिस साउंड्स प्रिटी बेटर। नेक्स्ट वर्ड है प्रिटी। प्रिटी का मतलब होता है खूबसूरत, जैसे कि शी वोर अ प्रिटी ड्रेस एट द पार्टी। इसकी जगह अब आपने कहना है एक्सक्विजिट, हर ड्रेस वॉज एक्सक्विजिट ड्रॉइंग एडमिरेशन फ्रॉम एवरीवन। सो ऑब्वियसली एक्सक्विजिट वर्ड इज़ फार बेटर। अब आपने नेक्स्ट टाइम जब भी प्रिटी का वर्ड यूज़ करना है तो उसकी जगह एक्सक्विजिट यूज़ करके देखें। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हॉट, एज इन इट वॉज अ हॉट डे इन समर, वो एक गर्मी का गर्म दिन था। उसकी जगह अब आपने यूज़ करना है स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग। द सन बीट डाउन क्रिएटिंग अ स्कॉर्चिंग हीट, द सन बीट डाउन क्रिएटिंग अ स्कॉर्चिंग हीट। आई नो स्कॉर्चिंग साउंड्स बेटर। नेक्स्ट वर्ड इज स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स अकलमंद, लेकिन इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं अब हम, इसकी जगह आप यूज़ करें इंजीनियस। एग्जाम्पल, ही इज़ अ स्मार्ट इन्वेंटर। लेकिन अब आप इसी सेंटेंस को बेटर वे में कैसे बोलेंगे, हिज इन्वेंशंस आर इंजीनियस, रेवोल्यूशनाइजिंग द इंडस्ट्री। नेक्स्ट है टायर्ड। टायर्ड मीन्स थका हुआ। आफ्टर द लॉन्ग हाइक दे वर टायर्ड, इतनी लंबी चढ़ाई के बाद वो बहुत थके हुए थे। लेकिन अगर आप टायर्ड को रिप्लेस कर दें एग्जॉस्टेड से तो इट साउंड्स बेटर। फॉर एग्जाम्पल, द चैलेंजिंग ट्रैक लेफ्ट देम फीलिंग एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग मीन्स जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी हो, एज इन द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, वो जो बुक है वो बहुत दिलचस्प है। इसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे आप, इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग। द प्लॉट ऑफ द बुक वॉज इंट्रीगिंग, इसका मतलब है कि जो कहानी थी किताब की वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी। ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना। अब पुराने की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं एंशियंट, एंशियंट। फॉर एग्जाम्पल, द बिल्डिंग वॉज ओल्ड, द बिल्डिंग वॉज ओल्ड, इमारत पुरानी थी। इसकी जगह यूज़ करें द बिल्डिंग वॉज एंशियंट, द बिल्डिंग वॉज एंशियंट।
सो यूज़ दीज एडजेक्टिव्स एंड आई एम रियली श्योर कि आपकी इंग्लिश एक स्टेप आगे जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होगी, लोग सुनकर आपकी इंग्लिश आपसे इम्प्रेस होगी। सो ऐसी ही मजीद वीडियोज़ के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट आपको अगली आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने के लिए मिले। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।